उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। पिछले कई महीनों से राज्य में निकायों के चुनाव पर कसरत चल रही है, लेकिन सरकार अब तक इसके लिए फाइनल स्टेज तक औपचारिकताओं को नहीं पहुंचा पाई है। इसका नतीजा ये रहा कि लगातार नगर निकाय के चुनावों पर संशय बना हुआ है और सरकार अब तक इस पर कोई चुनाव कराने की कोई तारीख तय नहीं कर पाई है। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग किसी भी दिन निकाय चुनाव घोषित कर सकता है। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि स्थायी निकाय प्रकोष्ठा के कार्यकर्ता और ऐसे प्रत्येक जनपद के लिए हम 3 प्रमुख कार्यक्रम टोली भेजने वाले हैं, जो निकाय के विभिन्न क्षेत्र में जाकर प्रत्याशियों के नाम का पैनल लेकर आएंगे और उसके बाद हम जनता द्वारा व्यापक सर्वे के बाद प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी निकाय चुनाव जीते, इस मजबूती के साथ हम चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। देखिए, निकाय चुनाव किसी भी दिन अब निर्वाचन आयोग घोषित कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हमारा जो स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है उसके कार्यकर्ता और ऐसे प्रत्येक जनपद स्तर के लिए हम 3 प्रमुख कार्यकर्ता टोली हम भेजने वाले हैं, जो निकाय के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशियों के नामों का पैनल लेकर आएंगे। उसके बाद हम कार्यकर्ताओं की रायशुमारी का विषय हो और जनता द्वारा व्यापक सर्वे के आधार पर हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। पिछली बार भी अधिकतर नगर पालिका नगर निगम भारतीय जनता पक्ष में थी, इस बार हम 100% के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे और सभी नगर निगम नगर पालिकाओं भारतीय जनता पार्टी जीते, ऐसे रणनीति के तहत हमारा चुनाव होगा। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।